एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा हेयर डू बताऊंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, और बहुत सिंपल तरीके से है ये। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आप इसे ब्राइड में, पार्टी में या आपके आप एंगेजमेंट मेकअप में किसी भी तरीके से हेयर डू बना सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक के साथ बनाया है मैंने, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में देखेंगे किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले मैंने देख रहे हो ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है, और उसके बाद नीचे से बहुत कम बाल ले रही हूँ और एक स्टफ़ी ले लेंगे। मैंने अपने ही पार्लर के बालों से बनाई हुई है ये। इस तरीके से बालों में फ़ोल्ड करेंगे, यहाँ आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। इस तरीके से पिन लगा लेंगे फोल्ड करने के बाद, दोनों साइड जुड़ा पिन भी लगाएंगे और बॉ पिन भी लगाएंगे। बहुत आसानी से बनेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा, काफ़ी हैवी भी लगेगा आपकी क्लाइंट को। इस तरीके से देख सकते हो बिल्कुल टाइट हो गया है। इसके बाद जो मैंने ऊपर से बाल छोड़े हैं, इनका हम बैक कॉम करेंगे। बैक कॉम करने के बाद पफ बनाएंगे। मैं किसी डोनट या बम्प का यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसा भी पफ बनाऊँगी मैं बालों में बैक कॉम के बाद बनाऊँगी, और कोई भी हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं करूँगी। इस तरीके से हम बैक कॉम करते जाएँगे, थोड़ी थोड़ी सी बैक कॉम हमेशा नीचे की तरफ से ही करेंगे, तब ऊपर की तरफ आएंगे, ताकि मुझे कोई भी किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करना पड़े। बट आप अपनी ब्राइड के बनाना चाहते हो ये हेयर डू, तो ज़्यादा अच्छा है आप स्टफ़ी का इस्तेमाल कर ले या पम्प का, क्योंकि कई बार हम दुपट्टा रखते हैं तो दुपट्टे से नीचे बैठ जाता है हमारा पफ। तो जब हम इसके अंदर पम्प का यूज़ कर लेंगे तो हमें हमारा पफ बैठेगा नहीं, और काफ़ी हैवी और अच्छा भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। देख रहे हो मैं बैक कॉम किस तरीके से कर रही हूँ, कोई हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं करूँगी। इस तरीके से ले लेंगे और अपना टेलकॉम लेंगे पहले, फिर लेंगे अपना फिनिशिंग ब्रश। ये देख रहे हो मेरे पास रूट्स का ब्रश है ये, इससे मैं थोड़ी सी फिनिशिंग दे दूँगी। और इस तरीके से बालों को कॉम करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं कोई भी हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। आप अपने क्लाइंट पे बनाएंगे तो हेयर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत कम पफ उठा रही हूँ, आप चाहे तो बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं। इस तरीके से जहाँ से हमारी पार्टिंग दिखाई दे रही है वहाँ पे मैं बालों को एक बार कॉम कर दूँगी इस तरीके से, और बॉबी पिन लगाऊँगी क्रॉस करके। तो आप कोई भी हेयर डू सिंपल तरीके से बना सकते हो, जिसमें कि आपके आपका खर्चा भी ना आए और आपका क्लाइंट भी खुश हो जाए, और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। बैक में आ जाएंगे। अब मैं ले रही हूँ बी एंड बी की कर्लिंग रोड, बालों को कर्ल कर लूँगी जो हमारे पीछे की तरफ गए हैं। इस तरीके से सभी बालों को कर्ल करती जाऊंगी। मोटी कर्लिंग रोड ले रही हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रेसिंग मशीन से भी कर सकते हो अपने, और मोटे मोटे ही कर्ल करेंगे, क्योंकि हमें बनाने हैं इनके फ्लावर से कर्ल। इस तरीके से करते जाएंगे, और जैसे कि आप जानते हैं मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाती हूँ ऑनलाइन अपने चैनल पर नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पर। आप देख सकते हो अच्छे अच्छे मेकअप के वीडियो, हेयर स्टाइल आप देखेंगे ऑल अबाउट हेयर पे, और अच्छे अच्छे हेयर कट, और प्रिया सैनी ऑफिशियल पे देख सकते हो आप रिव्यू, मेकअप, काफ़ी सारे बालों को मैंने कर्ल कर लिया था। कर्ल करने के बाद रफली से टक हो जाते हैं इस तरीके से, ऐसा लगेगा कि आपने रोज़ बनाए हुए हैं, बट मैं रोज़ नहीं बना रही हूँ। रोज़ बनाने के लिए हमें क्रिम्पिंग करनी पड़ती है, और इस तरीके से राउंड राउंड करके लूज लूज लगाती चली जाऊँगी। एक एक जूड़ा पिन का यूज़ करूँगी और बॉ पिन का यूज़ भी साथ में करूँगी। इस तरीके से बिल्कुल जल्दी से बन जाएगा हमारा हेयर डू, टाइम भी नहीं लगेगा और काफ़ी डिफरेंट भी लगेगा आपको, एकदम सिंपल तरीका और अच्छा। इस तरीके से आप चाहे तो एक साथ थोड़े बालों को ज़्यादा ले लेके कर्ल भी कर सकते हैं, ताकि मोटे मोटे कर्ल हो जाए और आप खोल के उनको इजीली लगा पाएँ। पूरा जो हमने नीचे जूड़ा बनाया था उसे कवर कर देंगे पहले, ताकि वो अच्छा लगे। इस तरीके से करती जा रही हूँ, और देख रहे कितने कम बाल थे, और जल्दी भी बन जाएगा आपका हेयर डू। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि क्लाइंट अगर एक्सटेंशन लगवाता है तो फिर चार्ज भी करना पड़ता है। ऐसे हेयर डू में आपको चार्ज की कोई टेंशन नहीं होती है, और टाइम भी कम लगता है। तो इस तरीके से सारे बालों का बना लिया। अब हमारे बच जाएंगे फ्रंट में हेयर, और यहाँ पर भी मैं किसी हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही थी तब बनाया मैंने ये जूड़ा। तो ये देख सकते हो ये हो जाएगा हमारा बैक से, और साइड से मैंने ट्विस्ट करके टक किया है। मैं इनका फेस नहीं दिखाऊंगी आज, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर फेस के साथ करती तो मैं आपको साइड का भी दिखाती। साइड में मैंने कर्ल करके टक किया हल्का सा, और अब इस तरीके से फ्रंट में जा रही हूँ। नीचे से एक सेक्शन ले लेंगे साइड से,
और इसे भी कर्ल करेंगे, विदाउट स्प्रे कर्ल कर रही हूँ अपनी B&B की कर्लिंग रोड से। इस तरीके से कर्ल करते जाएंगे, रूट्स के पास से थोड़ा सा पहले करेंगे ताकि वो थोड़ा ऊपर उठ जाए, और देखेंगे कर्लिंग करने से कितने सिंपल और अच्छी ट्रिक मिलती है हमें। इस तरीके से किया बिल्कुल रफली सा, और इसे उठाकर फ्रंट से भी कर्ल हो जाएंगे और थोड़ा सा खोल के इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। देख रहे हो मैं फ्रंट में कोई पिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जूड़े पे ही लगा रही हूँ इसे, रोज़ बना के इस तरीके से दिया, और आप देखेंगे फ्रंट में कितना अच्छा लुक आएगा। सेकंड लेयर्स लूँगी, सेकंड लेयर को भी इसी तरीके से करूँगी। आप कोशिश करेंगे एक ही बार में आपसे बन जाएगा, मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूँगी किसी और गर्ल पे, ताकि आप फ्रंट से भी अच्छे से देख पाएंगे, बट इसमें भी आप देखेंगे फ्रंट से बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सेकंड लेयर भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी और इसको भी छोड़ूंगी, और फ्रंट में किसी पिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। इसे खोलेंगे इस तरीके से कॉम से, और फिर इसे लास्ट में लेके आएंगे और बालों को, और इस तरीके से जो रोज़ बनाते हुए लगा देंगे। कोई बॉबी पिन का यूज़ नहीं किया है मैंने इस साइड, इधर साइड किया है राइट साइड की तरफ, बट लेफ़्ट साइड की तरफ कोई बॉबी पिन का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ जो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसी में टक्के है, देख सकते हो दो रोलों का हमारे, और लेयर्स ही आएंगे इसमें काफ़ी अच्छी, ऊंची नीची, और कोई पिन भी नहीं लगाना पड़ेगा हमें फ्रंट में। अब मैं थर्ड लेयर ले रही हूँ, इसमें थोड़ी हल्की बैकअम करूँगी क्योंकि चाहूँगी कि फ्रंट की तरफ जाते हुए थोड़े से हमारे बाल उठे हुए हों। और इसी तरीके से कर्ल कर लूँगी, देख रहे हो इस तरीके से हो जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे और कॉम ले लेंगे अपना, कॉम से वापस इन्हें खोल देंगे, और खोलने के बाद हल्का सा फिंगर से पकड़ेंगे इस तरीके से, और फ्रंट में थोड़ा सा लूज़ कर देंगे ताकि आप बड़े फोरहेड में भी बना पाएँ, और यहाँ से फिर से घुमाएंगे और इस तरीके से यहाँ टक कर देंगे। जूड़ा पिन ही लगा रही हूँ, कोई बॉबी पिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, काफ़ी सिंपल और आसान है, काफ़ी अच्छा लगेगा। देख रहे हो इस तरीके की लेयर आएगी हमारी, और मैंने सभी बना दिए हैं फ्रंट से बैक तक, चार लेयर बनी है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान, और बनेगा भी बहुत अच्छे तरीके से। आपको मैं अभी फ्रंट से दिखाऊंगी, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक करें, और आपने किसी भी कैसे भी क्लाइंट पे बना सकते हो, और किसी भी ड्रेस पे देख सकते हो फ्रंट से ये लुक आएगा हमारा। मैं नहीं चाहती थी इन क्लाइंट का फेस दिखाई दे, और बैक से कर लेंगे जूड़ा पिन से ये एक्सेसरी। आप चाहे तो छोटे छोटे बीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने हल्की सी ये यहीं पर ऐसे ही लगाई है, बीट्स होते तो और ज़्यादा खूबसूरत लगते। एक्सेसरीज़ आप पे डिपेंड होती है, आप लगाना चाहते हो या नहीं, या फिर रियल फ्लावर लगा सकते हो, थोड़ा सा लुक देती है हमारे हेयरडो को। इस तरीके से आप चाहे तो विदाउट इसके भी कर सकते हैं। कितनी जल्दी और कितनी अच्छा हेयरडो बनेगा, तो आप इसे चाहें तो विदाउट एक्सेसरीज़ के रख सकते हैं, और चाहें तो छोटे छोटे बीट्स पूरे में लगा सकते हैं, या फिर ग्लिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ का यूज़ नहीं किया है, और हेयरडो आपके सामने है। तो आपको पसंद आता है तो ढेर सारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।